हेलो फ्रेंड, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जुलाई महीने के सभी महत्वपूर्ण टॉप करेंट अफेयर्स, जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि हर एक महीने के जो करेंट अफेयर्स एक साथ आए, तो आप मेरे चैनल पर जो बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि सभी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आने की संभावना पूरी पूरी बनती है, उन्हें आप जान पाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले, ठीक है, जो कि मंथली वार होंगे वीडियो। अब देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएँ और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को मंथली वाइज, ठीक है, यानी जो मंथ है, हर एक मंथ का जो है महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न को जो है इसमें लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको एनजीटी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, कि नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, जुलाई महीने का ये करंट अफेयर्स है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, न्याय जो बने हैं, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है स्वतंत्र कुमार, जो कि पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद जो है जावेद रहीम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और लास्ट में जो है जो वर्तमान में है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों देखिए, एनजीटी एक्ट 2010 द्वारा जो भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का ही की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है एल नरसिम्हा रेड्डी। इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि 4 जुलाई 2018 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और ये पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि गुजरात में किस समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया? उत्तर है यहूदी समुदाय को, ठीक है। तो यहूदी समुदाय को जो है गुजरात में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। तो सबसे पहली बात की देखिए, यहूदियों का जो पैगंबर है उन्हें मूसा कहा जाता है, और लगभग यहूदी धर्म आज से जो है भारत में 2987 वर्ष पूर्व, यानी कि 973 ईस्वी पूर्व में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, यहूदियों ने जो केरल के मालाबार तट में प्रवेश किया था भारत में, 6 जुलाई को जो है इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 4 है कि भारत के किस मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी ने पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, जिसका नाम विंग्स रखा गया, तो इस नाम को याद रखना होगा, विंग्स। तो विंग्स की शुरुआत किस, ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि विंग्स की शुरुआत किसने किया? तो देखिए, BSNL ने किया, प्रश्न यही है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से इंटरनेट टेलीफोनी सेवा जो है उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर में कि विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता, जो 2018 का है? देखिए, उत्तर है एंजेलिक करवर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश है, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्थापना कितने साल पूरे किए? देखिए, 25 साल से जो है SBI वहाँ है, ठीक है, कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का कितने नंबर वाला अर्थव्यवस्था का देश बन गया? देखिए, 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जो है भारत है, ठीक है। तो फ्रांस को इसने पीछे छोड़ दिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण जो सजा हुई है पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को, जिसमें क्योंकि उन्हें हिरासत में लिया गया। देखिए, नवाज शरीफ को जो है आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में जो है इन पर कार्रवाई हो गई है, सजा भी हो गया है। अब देखिए, इनके साथ साथ इनकी बेटी मरियम भी इस केस में फंसी है, जिसके वजह से जो है नवाज शरीफ जो चुनाव भी नहीं लड़ पाए, प्रधानमंत्री का चुनाव जो नहीं लड़ पाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन है? देखिए, भारत की सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन जो है बल्लार शाह स्टेशन है, और बल्लार शाह प्रथम नंबर पर है, इसके बाद चंद्रपुर है। इसके अलावा दोस्तों, बिहार का जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है वो भी जो है टॉप 10 के अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बल्लार शाह और चंद्रपुर जो है सेंट्रल रेलवे में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 10 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन प्रसिद्ध 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया? देखिए, जुलाई माह में जो है राम सकल, राकेश सिन्हा, रघुनाथ महापात्रा,
और सोनल मान सिंह, ये जो कि नेतांगना है, इनको जो है राज्यसभा की सदस्यता जो है दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में कौन सी परियोजना का शिलान्यास किया, तो ये बाणसागर परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक विरासतों पर मनचाही तस्वीर लेने का आदेश किसने जारी किया। देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा था, जिसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक विरासतों पर, जहाँ कि आप जाते थे तो मोबाइल से आप फोटो नहीं ले पाते थे, तो आप जाइए। अगर मैंने भी एक जगह इसी तरह का यात्रा किया है, जहाँ पर आराम से फोटो मैंने खींचा, अच्छे अच्छे जितने भी सारे पुरातात्विक सामग्रियाँ थी उन सब का, तो आप भी खींच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, फ्लैश जो लाइट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो 13 है, केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में तेजी लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अनुबंधित किया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP के साथ जो है UNDP को अनुबंधित किया है, ठीक है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में फसल बीमा योजना में तेजी लाने और इस योजना के तहत दायरे का विस्तार फसल क्षेत्र के 50% तक बढ़ाने के लिए एक नई पेशेवर टीम बनाई है गई है, और 28 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित करने में जो है मदद के लिए जो है परामर्शदाता के रूप में 2 साल के लिए, तो UNDP जो है 2 साल के लिए अनुबंधित किया गया है। तो दोस्तों, एक बात और, प्रश्न को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, और सभी तरह के जितने जुलाई माह में जो भी पब्लिश हुए हैं, जो भी अपलोड किए गए हैं करंट अफेयर्स, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक, यानी कि जो 22 से 23 सितंबर तक के सारे देख पाएंगे, और आगे भी आने वाले समय में सबको जो है एक ही साथ 10 प्रश्नों को मैंने लिया है, तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत फास्ट में चलेंगे ताकि समय आपका बचे और एक बार रिविजन हो पाए। आइए प्रश्न में 14 पर चलते हैं कि भारत कितने समय के लिए जो है विश्व सीमा शुल्क संगठन, ठीक है, यानी कि WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो है उपाध्यक्ष बन गया है। उत्तर है, जुलाई 2018 से जून 2020 तक के लिए जो है विश्व सीमा शुल्क संगठन का के एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो उपाध्यक्ष भारत बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, INS तरंगिनी टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होने कहां पहुंचे। देखिए, सुंदरलैंड पहुंचा, जो कि ब्रिटेन में है। बस इतना ही, डिटेल में देखना है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है डे बाय डे का देख सकते हैं। प्रश्न नंबर, अब आइए 16 नंबर पर चलते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस 2018 कब मनाया गया। देखिए, 15 जुलाई को मनाया गया है ये। देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था, और भारत में इस मतलब दिवस का मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक युवाओं को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करना है, ठीक है। तो ये कुछ खास और इंपॉर्टेंट था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की, 15 जुलाई तक भारत के कितने लोगों के पास जो है आधार कार्ड, ठीक है। देखिए, 15 जुलाई तक जो है 121.75 करोड़ लोगों के पास जो है आधार कार्ड उपलब्ध है। हालांकि वर्तमान में जो है अभी 133 करोड़ के आसपास जो है आबादी हो गई है भारत में, ठीक है। तो खैर, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 है कि फुटबॉल विश्व कप 2018 खिताब किसने जीता। उत्तर है दोस्तों, फ्रांस की टीम ने। तो फाइनल में फ्रांस की टीम ने क्रोशिया की टीम को जो है 4-2 से हराया है, ठीक है। फ्रांस ने इससे पहले 1998 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को पश्चिम बंगाल में कहां किसान रैली को संबोधित किया था। देखिए, मिदनापुर में किया है इन्होंने। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विंबलडन 2018 का खिताब किसने जीता। देखिए, नोवाक जोकोविच ने जीता है, और नोवाक जोकोविच ने केविन एंडरसन को जो है 6-2, 6-2 और 7-6 से हराकर चौथी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। इस खिताब के साथ नोवाक जोकोविच ने जो है 13 ग्रैंड स्लैम, एक्चुअली अब जो है अगर US को जोड़ दिया तो 14 ग्रैंड स्लैम के जो है विजेता हो गए हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो 14 ग्रैंड स्लैम इनके नाम हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 है कि यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको EBRD कहते हैं, का 69वां शेयर धारक कौन सा देश बन गया। देखिए, ये भारत बना है। तो ये 69वां शेयर धारक 11 जुलाई 2018 को भारत बना है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए दोस्तों, EBRD का मुख्यालय लंदन में है, और यह बैंक जो है 38 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स यानी GII में भारत का स्थान कितना है? देखिए 57वां स्थान है भारत का। पिछले साल यानी कि 2017 में भारत 60वें नंबर पर था, 2015 में 81वें नंबर पर था। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रैंकिंग जो है कार्नेल विश्वविद्यालय INSEAD और विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 23 है कि विश्व मामलों की भारतीय परिषद जिसे जो ICWA के प्रबंध निदेशक जो है उपराष्ट्रपति ने किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों ये डॉक्टर TCA राघवन को जो है ICWA के प्रबंध निदेशक उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू जी ने नियुक्त किया है। ICWA की स्थापना 1943 में भारतीय विद्वानों के समूह के साथ एक थिंक टैंक के रूप में की गई है। ठीक है, यह एक गैर आधिकारिक गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर के फाइनल में किसने पहली बार स्वर्ण पदक जीता? उत्तर है हिमा दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, का आयोजन कब हुआ? उत्तर है 18 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब असम डायन प्रताड़ना प्रतिबंध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2015 को मंजूरी दिया? देखिए ये 18 जुलाई 2018 को इन्होंने मंजूरी दिया है। यह विधेयक जो है असम विधानसभा से 3 साल पहले ही पारित हुआ था, लेकिन 7 साल इसमें देखिए 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? उत्तर है जेफ बेजोस। ठीक है, तो amazon.com इंक के संस्थापक जेफ बेजोस आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $150 अरब से भी अधिक है। ये आंकड़े जो है ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट में सामने आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 28 है कि फोर्ब्स की 100 हस्तियों की सूची में अभिनेता अक्षय कुमार और सलमान खान का स्थान कितना है? उत्तर है अक्षय कुमार को 76वां यानी कि 76 और सलमान खान इनसे पीछे हैं तो 82 यानी कि 82वें स्थान पर सलमान खान है। अक्षय कुमार ने $4.05 करोड़ यानी लगभग जो है 3.07 अरब रुपए और सलमान खान ने $3.77 करोड़ यानी कि लगभग 2.57 अरब रुपए की कमाई की है 1 साल में। ठीक है, यानी 2018 के ये आंकड़े हैं। तो देखिए 3 अरब रुपए जहां अक्षय कुमार ने का कमाया वहीं जो है सलमान खान ने 2.5 अरब के आसपास कमाया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अरबों में कमाई होता है जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं उनकी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है कि भारत के किस राज्य ने जो है पौधागिरी अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों पौधागिरी अभियान जो कि हरियाणा में ये शुरू किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। देखिए पौधागिरी अभियान जैसे कि गांधीगिरी होता है उसी तरह पौधागिरी अभियान अगर याद करने में भी आसानी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि चीन ने मानव रहित स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र की स्थापना कहाँ किया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश के निकट जो कि तिब्बत में है। ठीक है, तो तिब्बत में चीन ने मानव रहित स्वचालित मौसम अवलोकन केंद्र की स्थापना किया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो है 31 नंबर के भारत के किस राज्य ने जो है हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है? तो उड़ीसा राज्य ने जो है हेरिटेज कैबिनेट का की गठन किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 32 नंबर में कि भारत के किस राज्य में कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों ने अपनी बोतलों को वापस खरीदना शुरू किया है, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल है या जो भी जो रोड पे आप सड़कों पे देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र राज्य में जो है कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों ने जो है बोतलों को वापस खरीदना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर में केंद्र सरकार ने किस राज्य से जो है स्टूडेंट पुलिस कैडेट की शुरुआत की है? देखिए हरियाणा से ये शुरुआत हुआ है स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट, जिसके वजह से जो स्टूडेंट जो है ठीक है पुलिस की जो कार्य प्रणाली उसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे और जो भय का माहौल है वो दूर कर पाएंगे, इसी उद्देश्य के साथ जो है ये शुरुआत किया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 34 है कि 2018 एशियन जूनियर्स कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? उत्तर है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
2018 के एशियन जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किसने जो है 22 जुलाई को स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है सचिन राठी और दीपक पुनिया ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक, वर्तमान में 29वीं बैठक हो चुकी है लेकिन जुलाई जुलाई में जो 28वीं बैठक हुआ था, में कितने वस्तुओं पर जो है जीएसटी दरों में कटौती की गई? देखिए 50 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किसने 53 साल बाद जो है जीत हासिल किया है? तो देखिए ये एक्चुअली 53 साल बाद जो है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन ने जो है 53 साल के बाद जो है जीत हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2018 को अपने 3 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में किस देश की यात्रा की है? देखिए रवांडा की, तो 3 देशों की यात्रा पे थे ये, जहां पहले चरण में जो है रवांडा पहुंचे थे ये। नेक्स्ट है बस, तो दोस्तों देखिए खैर अभी प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं, वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? देखिए 6ठा स्थान है भारत का। 40 नंबर में कि 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ये 10वें ब्रिक्स सम्मेलन होगा। 10वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो थीम है वो अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग, इतना बड़ा जो है इसका थीम है। देखिए नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो ऐसा याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए दोस्तों 25 जुलाई 2018 को जो है साउथ अफ्रीका में ये हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है कि चीन में किस तूफान के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया? देखिए तूफान के बारे में पूछा जाता है, देखिए ये एम्पिल तूफान जो कि चीन में आया। तो दोस्तों 22 जुलाई 2018 को चीन में संघाई में जो है एम्पिल ने कहर बरपाया था। ठीक है, और इसके कारण जो है चीन मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया था। देखिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है चीन जैसे देशों में मौसम आपदा, जब यानी कि आपदा का इस तरह कुछ होता है तो। ठीक है, हमारी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 42 है कि पाकिस्तान आम चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर किस पार्टी ने जीत दर्ज किया था? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके प्रमुख है इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं वर्तमान में। देखिए 43 नंबर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा में ग्रिंका योजना के तहत क्या उपहार दिए? देखिए 200 गायें जो है वहां के जो राष्ट्र प्रमुख है उनको भेंट किया था, उन्हीं के द्वारा ये ग्रिंका योजना शुरू किया गया था गरीबों के लिए, गरीबों को जो गाय दी जाती है, इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 गायें जो है उपहार में दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर में कि राज्यसभा में से आर्थिक भगोड़ा अपराधी बिल को कब मंजूरी प्रदान किया गया? देखिए ये 25 जुलाई 2018 को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 45 है कि मैग्सेसे पुरस्कार 2018 किन भारतीयों से 6 लोगों को जो है दिया जाने की घोषणा 26 जुलाई को किया गया था? देखिए ये इनमें देखिए 6 लोगों में जो सोनम बांगचुक और बाटवानी है जो कि भारत से है इनको मिला है, तो आप भारत के दृष्टिकोण से ज़्यादा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत में ये इस साल मैग्सेसे का 2018 किसे दिया गया, सोनम बांगचुक और बाटवानी को। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर जो है 46 है कि 26 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? देखिए बांग्ला, पश्चिम बंगाल को जो है बांग्ला के नाम से जाना जाएगा। जब गृह मंत्रालय ने जब अगर प्रस्ताव को जो है समर्थन दे दिया यानी ठीक है स्वीकृति दे दी, तो जो है राज्य पश्चिम बंगाल से बदल कर जो उसका नाम बांग्ला हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसा कारण, इसके पीछे कारण ये था कि जो सूची राज्यों की सूची आती है उसमें पश्चिम बंगाल के डब्ल्यू से स्टार्ट होता था अल्फाबेटिकल, इसलिए इसको शुरू में लाने के लिए तो बांग्ला सिर्फ किया गया, बस यही मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर में कुलपतियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के निवेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या था? थीम के बारे में पूछा जा रहा है, देखिए थीम है उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान नवाचार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर में उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2018 के अनुसार उच्चतर शिक्षा में छात्रों की संख्या कितना है? देखिए उच्चतर यानी हायर एजुकेशन में जो 3,66,00,000 जो है लोग ले रहे हैं देश में। 49 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगा? 27 जुलाई 2018 को लगा। अब ये देखिए दोस्तों बहुत लंबे साल बाद जो है लगने वाला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है।
प्रश्न नंबर जो है 50 है कि 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ स्मार्ट सिटी परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन जो है किया। देखिए, ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश से इन्होंने किया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पर जोर दिया। देखिए, तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति पर जो है इन्होंने जोर दिया था, जो कि जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ है 10वां ब्रिक्स सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर में कि लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक कब पारित हुआ। उत्तर है दोस्तों 30 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2018 लोकसभा में कब पारित हुआ। देखिए, 31 जुलाई 2018 को यह पारित हुआ। दोस्तों, ये थे कुछ खास और महत्वपूर्ण जुलाई महीने के पूरे टॉप 53 प्रश्न जो आपके लिए और आपके ही लिए है। तो इन प्रश्नों को जो है, अगर आप और आने वाले समय में इस तरह के जो प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट अधिक से अधिक करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो और ला सकूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और सभी से आग्रह है कि लाइक बटन जरूर दबाएँ और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन जिन्होंने दबा रखा पहले से वे सिर्फ उनको नहीं दबाने की ज़रूरत है, जो पहली बार आया चैनल पे सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।